व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ वाचिंग MKV टेक्निकल। फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमन एक नए वीडियो के साथ फिर से आ चुका हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डुओ व्हाट्सअप के बारे में। जी हां फ्रेंड्स, लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर मुझे डुओ व्हाट्सअप के बारे में बताइए कि इसमें क्या क्या फीचर्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में बताने वाले हैं आपको कि इसमें क्या क्या आपको फीचर्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो वीडियो के साथ में बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल के आइकन पर आपको ऑल कर देना ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय स्क्रीन पर हमारा जो डुओ व्हाट्सएप है ओपन हो चुका है। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो किसी प्रकार से आपको यहाँ पर आपका होम स्क्रीन दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर एक वॉच दिख रही होगी जो चल रही है, और यहाँ पर ऊपर हमारा देख सकते हैं नाम भी लिखा हुआ है अमन वर्मा, और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आई लव इंडिया भी लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आज की वीडियो में हम यही सब सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो इस वॉच पर ही क्लिक कर देना है। जैसे इस वॉच पे क्लिक करना है, जैसे आप यहाँ पर इस वॉच पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपका बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। अब आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर मिल जाता है लाइन कलर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही लाइन कलर पर आप यहाँ पर फ्रेंड्स क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं बहुत सारे कलर। आपको इसमें से कोई एक कलर ले लेना है जो आपको पसंद हो। तो चलिए मैं यहाँ पर एक कोई कलर ले लेता हूँ। मान लीजिए कि फ्रेंड्स मुझे ये वाला कलर पसंद है और मैं इस वाले कलर को ले लेता हूँ। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मिल जाता है सेट, आपको यहाँ पर सेट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं सेटिंग करियर टेक्स्ट 1, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स तो आप यहाँ पर अपना नाम या फिर कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो मैं यहाँ पर अपना नाम लिख दिया हूँ और आपको यहाँ पर फिर ओके कर देना है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर चले जाना है नीचे। जैसे आप यहाँ पर नीचे जाते हैं फ्रेंड्स तो आपको यहाँ पर इस पर ओके आपको इसको कर देना है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद में आपको यहाँ पर मिल जाता है सेलेक्ट सेकंड नंबर, आपको यहाँ पर देखने को लिए मिल जाएगा कलर का। तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट कलर पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं फिर तो आपको यहाँ पर फिर से बहुत सारे कलर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आपको अपने अनुसार कोई कलर ले लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर कोई कलर ले लेता हूँ। तो मान लीजिए कि फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक कलर कोई ले लेता हूँ, तो मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ। ये वाला कलर लेने के बाद फ्रेंड्स आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है फिर से, आपको यहाँ पर इसको ओके कर देना है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर नीचे चले जाना है। तो नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा सेलेक्ट सेकेंड टेक्स्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा कि बहुत सारे कलर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपको इस पर से कोई कलर ले लेना है जो आपको पसंद हो। तो मैं यहाँ पर एक कोई कलर ले लेता हूँ, मान लीजिए ये वाला कलर मुझे पसंद है, मैं यहाँ पर इसको ले लेता हूँ। इतना करने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर सेकेंड टेक्स्ट पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ भी लिख देना है जो भी लिखना आपको अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ आई लव इंडिया, मैं इंडिया से, तो मुझे इंडिया से बहुत ज़्यादा प्यार है इसलिए मैंने यहाँ पर इंडिया लिख दिया है। तो इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपको नीचे चले जाना है और आपको यहाँ पर मिल जाता है डेट, डेट पर आपको कलर पर क्लिक करना है। अब फ्रेंड्स आपको जो कलर आपको यहाँ पर पसंद आता है वहाँ पर यहाँ पर आपको कलर ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रेड ले लेता हूँ, और रेड लेने के बाद यहाँ पर ओके कर देता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पर मिल जाता है फ्रेंड्स कलर बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में आप कौन सा कलर लेना चाहते हैं आपके अनुसार हो, जो भी आपको लेना हो ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये वाला बैकग्राउंड ले लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। बैकग्राउंड लेने के बाद आपको क्या कर देना है, अब यहाँ पर हम चले जाते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाता है स्ट्रिप कलर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई कलर ले लेना है। मैं यहाँ पर ये वाला कलर ले लेता हूँ फटाफट, और आपको मैं जल्दी से करके भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर आपको मिल जाता है बॉर्डर क्लॉक, आपको क्लॉक के साइड साइड में जो कलर आपको पसंद हो वो कलर यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कोई अच्छा सा कलर ले लेता हूँ, मान लीजिए कि ये वाला कलर ले लेता हूँ मुझे पसंद है, तो मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ। अब चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर क्लॉक, तो नंबर क्लॉक पर आप जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर फिर से कोई कलर लेना है। तो यहाँ पर मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है हॉर्स क्लॉक, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स तो आपको यहाँ पर हॉर्स कलर क्लॉक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है कलर बहुत सारे। तो आपको कोई एक कलर ले लेना है, आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे चले जाना है, आपको यहाँ पर मिनट कलर आपको जो भी लेना है, आप जो भी कलर लेना चाहें मिनट वाले कलर पर तो आप ले सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर ये वाला कलर लेता हूँ। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर सेकेंड हॉर्स कलर आपको यहाँ पर ले लेना है। तो आप यहाँ पर ले सकते हैं कोई भी कलर ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। मैं यहाँ पर ये वाला कलर ले लेता हूँ। इतना लेने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फिर से ओके कर देना है, और ओके करने के बाद आप, चलिए मैं बैक चलता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा जो वॉच है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से चेंज हो चुका है। अगर आपको यहाँ पर वॉच में आपको यहाँ पर नंबरिंग नहीं शो कर रहा हो तो आपको फिर से एक बार यहाँ पर क्लिक कर लेना होगा और आपको यहाँ पर कुछ चेंज बदलाव कर लेने होंगे। तो जैसे मैं करके आपको दिखा देता हूँ, कलर नंबर पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कोई ऐसा कलर लेना है जो वहाँ पर शो करे, तो मैं यहाँ पर ये वाला कलर ले लेता हूँ ताकि यहाँ पर शो करे ब्लैक वाला कलर। अब मैं बैक चलता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ पर ये शो करता है नहीं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉच में काफ़ी अच्छा है देखने के लिए, आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप भी कलर चूज कर सकते हैं, अपने अनुसार चूज कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी इसमें कोई कलर बदलाव करना है तो आपको एक बार फिर से क्लिक करना है। आप यहाँ पर चाहें तो सेकंड वाले पे जो भी सेकंड का कलर है आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, तो इस पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ से हमारे समझ से कि इसको आप ये ब्लैक कर दीजिए ताकि ये काफ़ी अच्छा देखने में लगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से अब ये डिफरेंस थोड़ा देखने में आपको लगेगा। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट टू के साथ में, उसमें और सारी आपको जानकारी हम देंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड धन्यवाद, जय हिंद।